बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का। और अब बात एक और आने वाली फिल्म की। फिल्म है भट्ट कैंप की, नाम है राज 2। ये फिल्म 23 जनवरी यानी कल बड़े पर्दे पर रिलीज होगी और फिल्म की स्टार कास्ट फिल्म को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी सिलसिले में कंगना और अध्यक्ष अध्ययन सुमन चंडीगढ़ पहुंचे, जहां हमारे संवाददाता सलील खन्ना ने इन दोनों से एक खास मुलाकात की। रास एक बहुत ही डरावनी फिल्म है और हॉरर और थ्रिलर उसका, जैसे कि आपको पोस्टर या प्रोमोस देख के पता चलता होगा कि उस तरह की फील है फिल्म की। तो उसकी प्रमोशन करने के लिए जब मेरी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो मैंने सोचा एक स्कूल का चक्कर लगा के आते हैं। तो कंगना, पहले भी आप चंडीगढ़ आ चुकी हैं, चंडीगढ़ आना आपको कैसा लगता है, क्योंकि आप यहाँ से पढ़ी हुई हैं और एक छोटे से शहर से उठकर बॉलीवुड में जाना किस तरह का सफ़र रहा? देखिए, सफ़र काफ़ी मुश्किल था, ऐसा नहीं कहूँगी कि आसान था, क्योंकि जब भी कोई आउटसाइडर्स किसी भी फील्ड में जाए, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, उनको एक तो कोई रिजर्वेशंस नहीं होती है उनकी, और ना ही कोई हाथ थाम के तुम्हारी मदद करता है बिना मतलब से। तो काफ़ी मुश्किल था सफ़र, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करके, मेहनत करके, सबको करनी पड़ती है, मेरी ही बात नहीं है। तो उस तरह से वो तो एक आपको अपने खून पसीना तो देना पड़ता है किसी भी जगह में, अगर आपको नाम बनाना है तो। कंगना, इससे पहले भी आपने कई हिट मूवीज़ दी हैं, तो इस जो मूवी है राज, इसमें लिव इन रिलेशनशिप में आप रही हैं, तो किस तरह देखती हैं लिव इन रिलेशनशिप? देखिए, लिव इन रिलेशनशिप अभी आजकल हर एक का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, जो जिस चीज़ को ठीक समझता है उस तरह से ही उसके बारे में अपने विचार बनाता है। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों को अपनी संस्कृति से ज़्यादा अटैच रहना चाहिए, और जितना हम लोग रख सके उसे प्रिजर्व कर सके उतना हमें ज़रूर करना चाहिए। कंगना, काफ़ी मूवीज़ आपने पहले भी दी हैं, तो कोई ड्रीम रोल रहा हो या कोई ड्रीम एक्टर या एक्ट्रेस रहा हो जिसके साथ आप रोल करना चाहती हूँ? देखिए, ऐसा ड्रीम रोल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा आमिर खान जी के साथ काम करने की बहुत तमन्ना है, और बहुत ही प्रभावित हूँ मैं उनके काम से, और उनके साथ काम करना चाहती हूँ। कंगना, कोई एक्ट्रेस ऐसी है जिसके साथ आप काम करना चाहती हूँ, या किसी एक्ट्रेस की कोई उनका रोल हो जो चाहती हूँ कि मेरे पे फिल्म आया जाए? ऐसे तो बहुत सारे रोल्स होंगे, जैसे पाकिज़ा मीना कुमारी का रोल हो गया मधुबाला का मुगले आज़म में, फिर वहीदा रहमान का गाइड में, ऐसे काफ़ी ज़्यादा रोल है। लेकिन अभी सब ऐसे हैं कि काफ़ी पुराने हैं, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा स्क्रीन प्लेज लोग इतना ज़्यादा ख़राब करेक्टर्स लिखते हैं कि उनको ऐसा दिल नहीं करता कि ऐसा सोचे कि ऐसा आप उनके बारे में इतना अच्छा महसूस करें। लेकिन पुराने समय में लोग बहुत अच्छे गाने, किरदार, स्क्रीन प्लेज ऐसे बहुत दिमाग और दिल से लिखा करते थे। कंगना, इस फिल्म में आपने काफ़ी हॉट सीन्स दिए हैं, क्या कहना है, लोग कहते हैं कि ये गलत है, किस तरह देखती हैं आप? इस फिल्म में मैंने, देखिए वो एक सारी अफवाहें हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना भी 80% से ज़्यादा न्यूज़ जितनी भी हमारी आती है बॉलीवुड से, वो सब गॉसिप्स होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिल्म में ये बात मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी कि कोई भी न्यूड सीन नहीं है, और ना ही किसी तरह की कोई अश्लीलता है, कुछ भी नहीं है। और आप मुझे फिर से अगर मैं झूठ कहूँ तो पूछ सकते हैं फिल्म रिलीज़ होने के बाद। अध्ययन, आपके बारे में पूछना चाहूँगा, आपकी दूसरी मूवी है चंडीगढ़, आप आई हैं, कैसा लग रहा है? आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है, और चंडीगढ़ के बारे में बहुत कुछ सुना था मैंने, और आज कंगना के साथ उनके स्कूल आया हूँ, और इतने सुंदर लोग हैं, इतने सुंदर स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, और बहुत स्वीट लोग हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके उनसे इंटरेक्ट करके, बिकॉज ये हमारी यंग जनरेशन है और मैं भी यंग जनरेशन से हूँ, कंगना भी यंग है, तो उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है हमें। अध्ययन, आपके पापा को कैसा लग रहा है? पापा के आपके पीछे बैकग्राउंड बड़ी अच्छी है कि शेखर सुमन के आप बेटे हैं, दूसरी मूवी है, पहली मूवी आपकी इतनी अच्छी नहीं चल पाई थी, लेकिन ये दूसरी मूवी है, किस तरह देखते हैं जी? जहाँ तक मेरी फर्स्ट फिल्म का सवाल है, ये कहना चाहूँगा कि लोग जो है यूजली कैमियो करते हैं एस्टैब्लिश होने के बाद, मैंने कैमियो पहले ही कर दिया, और अब जो मेरी सेकेंड फिल्म है वो मेरी डेब्यू फिल्म है राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज, जो 23 जनवरी को रिलीज़ हो रही है, और आई थिंक पापा बहुत खुश हैं कि उनका 20 साल का लड़का डेब्यू कर रहा है यहाँ पे। यूजुअली हीरो जो होते हैं वो 28 साल में आते हैं, 27 साल में आते हैं, मेरा डेब्यू बहुत जल्दी हो गया और फिल्म भी अच्छी बनी है, तो आई थिंक कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस कि सब कुछ अच्छा जाए इंशाल्लाह लाइफ में। अध्ययन, ये जो राज मूवी की हम बात कर रहे हैं, इसमें इमरान हाशमी भी हैं, लेकिन जो सीरियल किसल का रोल है वो आप कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी, मैं सीरियल किसर बिल्कुल नहीं हूँ, और वो टैग इमरान जी के पास अच्छा लगता है। आई थिंक जहाँ तक मेरा सवाल है वहाँ तक, बिकॉज एक इंटीमेट सीन है इस फिल्म में, बिकॉज मैं और कंगना रिलेशनशिप में है साथ में, और एक स्टोरी प्रोग्रेस होती है, लव स्टोरी, दैट्स द ओनली रीज़न वाई वी हैव अ किसिंग सीन इन द फिल्म, और अगर इसकी ज़रूरत नहीं होती तो आई एम श्योर मोहित एक ऐसा डायरेक्टर है, अगर ज़रूरत नहीं होती तो ये फिल्म नहीं चलता।
तो कंगना रनावत और अध्ययन सुमन से खास मुलाकात की हमारे संवाददाता सलील खन्ना ने, और फिल्म राज 2 से जुड़े हुए कई राज कंगना ने भी और अध्ययन ने भी खोले। एक और छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। हमारी खास पेशकश लगातार जारी है।